क्रिश्चियन, हमने से फ्रेंडशिप की ये सोच के कि एक एलियन है, दूसरे प्लैनेट से आया है, फिर भी एलियन मैं। कितनी बार मम्मी डैडी से तुम्हें बचाया, कितनी बार जेल जाते जाते बचे, ये सब हमने किस लिए किया? सिर्फ तुम्हारे लिए किया ची, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं एलियन नहीं, नहीं मैं एलियन नहीं, छोटू छोटू। हमने कितना कुछ किया तुम्हारे लिए, लेकिन तुम छोटी सी बात के लिए घर छोड़ के चले गए और फिर बाहर जाकर लोगों को हर्ट करने लगे, वो भी ब्रिज अंकल के कहने पर। ब्रिज मोहन अंकल की सारी बात मानी, अपना ब्रेन तो यूज किया नहीं, उन्होंने तुम्हें मिसगाइड किया और तुमने वही किया। अब तुम्हारी यही सजा है कि तुमसे कोई बात नहीं करेगा। करेक्ट, एलियन हो ना तो एलियन बनकर ही रहो। अरे ये तो मुझे सचमुच एलियन समझ रहे, मैं भी एलियन ही बना रहता क्योंकि एलियन समझकर ये तो मुझे मार ही नहीं रहे। ठीक है मैं ऐसा ही रहता हूँ, कुछ नहीं करता, मौका मिलते ही भाग जाऊंगा यहाँ से। छोटो क्या हो गया है तुम्हें, हाँ तू मेरी बात ही नहीं सुन रहा। मैं तुझे कह रहा हूं कि बाहर जाकर लड़कियों की धुलाई करके आ और तू यहां से हिल भी नहीं रहा। तू मेरा छोटा भाई है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरी हर हरकत बर्दाश्त करूंगा, समझा? अरे तुझे एलियन बनाने के लिए मैंने क्या क्या पापड़ बेले मैं ही जानता हूं। ये ड्रेस, ये मास्क और वो राहुल से एलियंस के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए मुझे बुक छापनी पड़ी। तू ये भूल गया है कि हमने डिसाइड किया है कि 4 दिन में 100 लड़कियों की भलाई करनी है। डिसाइड किया है कि नहीं, बोल। बुरा आदमी, बुरा आदमी। जी प्लीज समझने की कोशिश करो, ये सब जो तुम कर रहे हो ना ये सिर्फ बुरे लोग करते हैं। ये बार बार मुझे ची क्यों बुला रहे हैं? ची हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा, इसलिए तुम्हें ऐसे देखकर हमें बहुत दुख हो रहा है। ची ची प्लीज भागो मत ची, आई एम वेरी सॉरी, हम तुम्हें फिर नहीं डांटेंगे। ची अब तुम पहले जैसे अच्छे बन जाओ। हाँ और अब तुम छोटे होकर इस बैग में भी चले जाओ, अगर अंकल आंटी ने तुम्हें देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ जी छोटे बन जाओ, छोटे बन जाओ। अरे मैजिक करो, बिकम स्मॉल। अरे ये दोनों पागल हो गए क्या, मैं कैसा छोटा बनूं? आज तो ये तो जादू नहीं कर पा रहा है। मेरा तो बस नाम ही छोटू है, मैं जादू का जानता हूँ। लेकिन क्यों? आस्था वही, इसकी पुरानी बीमारी। ओ मैजिक की दवा, पिलाओ। ये लो ची पानी पी लो। पानी? इसे तुम्हारी मैजिकल पावर्स वापस आ जाएंगे, पी लो। मुझे तो पहले सूसू आ रही है, इतना पानी पीऊंगा तो पैन में निकल जाएंगे। ची पानी पियोगे तभी तो मैजिक कर पाओगे ना, पियो पानी। ची खबरदार जो तुमने हमारी बात नहीं सुनी तो। ची अगर तुम नहीं माने ना तो तुम्हें पुलिस स्टेशन लेकर जाएंगे। मर गया छोटू, एक तो सुसु आ रही है अब ये गुस्से में पानी पिला कर ही रहेंगे। ठीक है आस्था इसे पुलिस स्टेशन ले चलते हैं, ओके चलो। एक मिनट रुको, अब चलो पुलिस स्टेशन, नहीं पियोगे ना पानी, चलो। रुको सचिन एक काम करो, ये चादर ची के ऊपर डाल दो वरना पुलिस से पहले ना मम्मी डैडी हमारा बैंड बजा देंगे, ओके? हाँ ओके। अब देखते हैं कि तुम कैसे मैजिक नहीं करते हो, चलो। जी अभी भी तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, सोच लो तुम। हाँ या तो हमारे साथ रहो और जो मैजिक हम करने को बोले वही करो, वरना जेल की हवा खाओ। बोलो क्या करना है तुमको, इतनी देर से हम लोग बकबक बकबक करते जा रहे हैं।
पर ये तो सुन ही नहीं रहा। अरे मेरे चाचा, मेरे मामा, मेरे काका कहाँ हमें छोड़ गए, चला गया। आस्था तुम देख रही हो, ये तो वही इंस्पेक्टर है जिसकी हमने फोटो अखबार में देखी थी उस दिन। जी सुनो, मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो हम तुम्हें पुलिस के पास नहीं पकड़वाएंगे, बट एक बार इस आदमी को जिंदा कर दो जिसके ऊपर इंस्पेक्टर की इतनी सारी होप्स है। प्लीज जी प्लीज, हमारे लिए। जिंदा हो गया, मरा हुआ आदमी, पर मैंने तो इसे जिंदा नहीं किया। सचिन, हमारे जी ने मैजिक कर दिया। हम जानते थे ची हमारी बात को कभी नहीं टालेगा। वाओ ची, ग्रेट। इस मुर्दे को मैंने कैसे जिंदा किया, क्यों हवलदार? यस सर। मैं यही देखना चाहता था कि मरे हुए आदमी को गुदगुदी होती है कि नहीं। चल बेटा थाने, अब दिखाता हूँ मरा हुआ आदमी कैसा होता है। इसका मतलब चीनी मैजिक नहीं किया है। कैसे करेगा, ये सुपर पानी नहीं पी रहा है। अब देखो हम इसे कैसे पानी पिलाते हैं, और अगर नहीं पिएगा तो बैंड बजा देंगे हम इसकी। अब पियो पानी। अरे क्या पानी पिला पिला के मार डालेंगे क्या? कल है क्या? नहीं तो पहले सुसु लेके जाओ, बाद में पानी पिलाओ। आदमी सचिन, ये हमारा चीन नहीं है, ये आदमी है। आदमी, अरे ए छोटू, तू 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 क्या कर रहा? तू तू जादू कहां से आ गया? अरे मुझे क्यों मैं छोटू नहीं, ची 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 ची, इसका मतलब ये तो सचमुच का एलियन है। हाँ, तभी तो ये जादू कर रहा है और जादू से मुझे मार भी रहा है। बाहर निकल चुए, बाहर निकल, क्या छुपा बैठा है? अगर ये सचमुच का एलियन है तो फिर मेरा छोटू कहाँ है? छोटू मेरा भाई, लेकिन ये आया कहाँ से? मैं तो छोटू को पकड़ के लाया था। इसका मतलब कि मुझे असली एलियन मिल गया, जो आज तक किसी को नहीं मिला, वो मुझे मिल गया। हाँ, तुम बुरा आदमी। ये तो हमारी लैंग्वेज भी बोलता है, तुम बुरा आदमी। अब तो मैं दुनिया पर राज करूंगा। मैं बुरा नहीं, बहुत बुरा आदमी मैं। पुलिस पुलिस, फोन फोन फोन। अरे वाह बच्चों, मुझे कह रहे हैं कि मैं खुद ही पुलिस को फोन करके खुद को पकड़वा दूं। अरे क्या मैं इतना उल्लू दिखता हूं क्या तुझे? हाँ ये क्या दूरक, किसको दूरक? पुलिस पुलिस फोन, पुलिस का फोन कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ इसको दूरक। अरे ये सामने रहेगी तो मैं बात कैसे करूंगा? मैं तो ऐसे ही बच जाऊंगा। अभी डांस कर रहा हूँ ना, बस इसको हटाना। बोलो बोलो, पुलिस पुलिस। हेलो हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। जी हाँ। मैं बहुत बड़ा क्रिक। हेलो हेलो हेलो, क्या मजाक करते रहते हैं आजकल। अरे वाह, मुझसे पुलिस को फोन करवा कर मुझे पकड़वाएगा? हाँ पकड़वा, ले 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 पकड़वा। मैं जानता हूं तूने बहुत टाइम से पानी नहीं पिया है, इसलिए तेरी मैजिकल पावर्स खत्म हो गई है। बिगाड़ मेरा क्या बिगाड़ सकता है? हाँ बिगाड़ तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता।
आस्था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ब्रिज अंकल के पास ची था तो फिर उन्होंने छोटू को क्यों यूज किया? वो ची का मैजिक इस्तेमाल कर सकते थे। सचिन, ची ची ऐसे गंदे काम नहीं कर सकता। हम तो बेकार में उसको उल्टा सीधा कह रहे थे। ही इज इनोसेंट। आस्था, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये छोटू ब्रिज अंकल के लिए नहीं किसी और के लिए काम कर रहा हो। क्या? इट इज पॉसिबल। आने दुल्लू से पूछते हैं। 11वीं बार सुसु करके आप? बस सुसु ही करते रहना। देखो छोटू, ये 11 टाइम्स हुआ है और अगर नहीं बताया तो 11,000 टाइम्स हो जाएगा। समझ में आई तुमको? इसलिए तुम हमें जल्दी बता दो कि तुम कौन हो और उन लड़कियों की पिटाई क्यों कर रहे थे। पहले ये रस्सी तो खोलो। रस्सी खोले ताकि तुम यहाँ से भाग जाओ। जब तुम्हारा मुंह खुलेगा तभी ये रस्सी भी खुलेगी। अब तुम हमें बताओ कि तुम कौन हो और किसके लिए काम कर रहे हो। और हमारा ची कहाँ है? मुझे फिर से सुसु आ रही है। छोटू, अब तुम नहीं बच सकते। सब कुछ अच्छा बताओ। बताओ। अब बस मुझे अपने प्यारे छोटू को ढूंढना है। छोटू, तुम फोन से खेलते रहोगे या फिर हमें कुछ बताओगे भी नहीं? हेलो। वैसे मैं पता चल गया कि तुम्हारे दूसरे साथी और तुमने हमारे राहुल अंकल की एलियन वाली बुक पढ़ी है। हाँ, और बुक पे जो कवर फोटो है ना, उसे कॉपी करके एक मास्क बनाया है। लेकिन भूलना मत कि तुम उसी साइंटिस्ट राहुल सक्सेना के घर पर हो। छोटू और राहुल के घर में? कहीं उसने सब कुछ बता तो नहीं दिया? इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम हमें सच सच बता दो, किसके लिए वायलेंट काम करते हो और क्यों। नहीं बताओगे ना? चलो पुलिस स्टेशन चलो हमारे साथ। वहां जब डंडे पड़ेंगे ना, तब सब कुछ बता दोगे तुम। चलो चलो। देखिए, हम आपके लिए कितना बड़ा मुजरिम पकड़ के लाए हैं। हाँ, यही है वो जिसकी आपको तलाश थी। क्यों मियाँ, तुम ही हो जिसने पूरे शहर में हड़कंप मचा के रखा? बच्चे, अभी ठीक करता हूँ तुम्हें। शाबाश बच्चों, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा बच्चों, मैं अभी FIR बुक लेकर आता हूँ, उसके बाद मुझे तुम इसके बारे में बताना। तुम लोग बैठो, मैं भी FIR बुक लेकर आता हूँ। बैठो बैठो। बच्चों, मैंने इस प्यारे छोटू के बारे में उस इंस्पेक्टर के सामने कुछ भी बकने से पहले यह मत भूलना कि तुम्हारा वो एलियन मेरे कब्जे में है। बेचारे का वाटर लेवल कम हो रहा है, अब वो जादू वादू भी नहीं कर पाता, इसलिए अच्छा ये है कि तुम दोनों अपनी जबान बंद रखो वरना मैं तुम्हारे उस एलियन को मार दूंगा। अरे बेटा, बैठो बैठो बैठो, घबराओ मत, बैठो। नमस्ते। आपकी तारीफ। इंस्पेक्टर साहब, मैं इसका चचा हूँ। तो आप हैं इस खुरापाती बच्चे के चाचा? नहीं, खो गया था। ठीक है, खड़े रहिए। हाँ बच्चों, अब बताओ तुम लोग कि इसने क्या क्या बदमाशियां की। इंस्पेक्टर साहब, ये एक बहुत बड़ा किलर है और इसने अब तक हजारों मच्छरों का खून कर दिया है। मच्छरों को? हाँ। इसका मतलब तुम लोग यहाँ पर ये रिपोर्ट लिखवाने आ रहे हैं। तुम लोग जानते हो मैं कौन हूँ? पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, अंदर कर सकता हूँ तुम लोगों को। अब इससे पहले मैं तुम लोगों को अंदर करूं, तुम लोग यहां से फौरन दफा हो जाओ।
इंस्पेक्टर साहब, मैं यू गेट लॉस्ट। मैं लॉस्ट होता हूं। जाओ यहां से। चल चल चल। मच्छर मारने की रिपोर्ट लिखवाना है। मजाक बना के रखा है। ये बात तो सही है, हम ब्रिजमोहन से पंगा नहीं ले सकते, कहीं ऐसा ना हो कि वो चीको मार डाले। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम चुपचाप बैठे। वो ब्रिजमोहन बहुत बदमाश है, वो चीके मैजिक का गलत यूज कर सकता है। क्या करें अब हम? नानू, ऐसे करके क्या बैठे हो, कुछ बताओ ना, आइडिया दो हमें। मुझे लगता है हमें राहुल अंकल को सब बता देना चाहिए, फिर वो ब्रिजमोहन के पास जाएंगे और चीको ले आएंगे। फिर तो पापा को पता चल जाएगा कि हमारे पास एक एलियन है। बट इससे चीकी जान तो बच जाएगी। लेकिन नानू अब। लेकिन सचिन समझते क्यों नहीं हो, अब चीको बचाने का सिर्फ यही एक तरीका है। नहीं नहीं, हम हमारे पापा को चीके बारे में नहीं बता सकते नानू। ठीक है, अब ये डिसीजन तुम दोनों को लेना है कि तुम्हें क्या करना है। क्या चाहते हो तुम, राहुल अंकल को चीके बारे में बताना या फिर ब्रिज के हाथों चीकी मौत? डैड, डैड वेट, रुको। अंकल, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ अंकल, वेरी इम्पोर्टेंट। हाँ पापा, बहुत बड़ा सीक्रेट आपके साथ शेयर करना है। आपके साथ गाड़ी में बैठे? हाँ। अच्छा है ना, अंकल को गाड़ी में बैठ कर ही सब कुछ बताएंगे। तो अब चलो बैठो ना। हाँ हाँ चलो। सचिन, बताए पापा को? तुम बताओ। अंकल, हमने आपसे एक बहुत बड़ी बात छुपाई है। हमारे पास एक एलियन है इनके पास। आप उसे प्लीज बचा लीजिए। पापा उसे मार डालेगा। प्लीज पापा प्लीज। जब मैं पूरे का पूरा एलियन बना सकता हूं तो क्या राहुल का मास्क नहीं बना सकता? मैं जानता था कि तुम लोग पुलिस स्टेशन से छूटने के बाद सीधा यहाँ आकर राहुल को सब कुछ बता दोगे। अब मैं तुम लोगों को अपने साथ ले जाऊंगा। चलो। बचाओ, 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 बचाओ,